हाई गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो यार सबसे पहले तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दीज मनी सब्सक्राइबर्स इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी सो थैंक यू सो मच फॉर इट गाइज एंड इसके अलावा यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आई एच एस मार्केट सो बेसिकली हाउ वॉज माई इंटरव्यू एट आई एच एस मार्केट दैट आई विल गोइंग टू टेल यू प्लस यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि uh, कैसा मेरा यू नो हाउ हाउ देयर कोडिंग राउंड हाउ मेनी इंटरव्यूज देयर एंड उससे पहले उनका एक बायोमेट्रिक टेस्ट था तो उसके बारे में बात करेंगे प्लस एक रिज्यूमे सिलेक्शन राउंड था उसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट कोडिंग राउंड अबाउट इंटरव्यूज अबाउट हाउ मेनी इंटरव्यूज देयर देयर उस सारी चीजों में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट सो आई होप दैट द एजेंडा ऑफ द वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू प्लस मैं ज्यादा फोकस करूंगा यार मैं इंटरव्यू में एग्जैक्ट जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए आई विल ट्राई टू टेल यू गाइज दैट Uh, क्योंकि अमेजॉन वाली वीडियो में मैंने ये किया था एंड मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड मी इन द कमेंट सेक्शन की इट जेनविन रियली हेल्प इट राइट तो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यूज वी नो दैट स्किल्स एंड प्रैक्टिस यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं राइट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्स एंड प्रैक्टिस वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इंटरनशाला ट्रेनिंग व्हाई बिकॉज दैट इज द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोमोटिंग द नोशन कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस डोंट नो अबाउट इट देट बी टेल यू दैट इंटरनशाला ट्रेनिंग दे बेसिकली प्रोवाइड यू इंडस्ट्रियल लेवल काइंड ऑफ ट्रेनिंग ठीक है तो इनके जो तुम्हें ट्रेनिंग्स मिलेंगी ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल यू गेट इट फॉर प्रोग्रामिंग यूल गेट इट फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग की तुम्हें जनरली बहुत कम वीडियोज़ वगैरह मिलती हैं सो दिस इज द एक्चुअल प्लेटफॉर्म जहाँ के तुम एक्चुअली यू नो लर्न समथिंग न्यू एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स विद जो इंडस्ट्रियल लेवल के होंगे प्लस तुम्हारे पास डेटा साइंस का होगा तुम्हारे पास डिजाइन क्रिएटिव आर्ट्स लैंग्वेज में फ्रेंच मिल जाएगी करियर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर एंड मच मोर गाइज सो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर यू नो

एंड uh, uh, तुमने बेसिकली जो भी इनके ऑफर्स चल रहे हैं इसमें तुमने ये करा प्लस अगर तुम्हें कुछ ऑफर्स चाहिए तो तुम लिंक मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन में होगा उस पर क्लिक करोगे तो इट्स इट ऑटोमेटिकली गोइंग टू शो दिस दिस प्रोग्राम लेस अमाउंट में राइट नाउ गाइस इसके पर्क्स क्या हैं पर्क्स तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें चार प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलेंगे एंड ये चारों प्रोजेक्ट्स गए बहुत अच्छे रहने मिलेगी बनाने को ठीक है uh, प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलने वाला है तुम्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है वो तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है राइट right? एंड जो बेसिकली बिगनर्स भी हैं दिस इज एक्चुअली द प्लेस विच आर यू नो लुकिंग फॉर क्योंकि ज्यादा कॉस्टली नहीं है तुम लोग आके पे कर सकते हो इतना अमाउंट प्लस तुम्हें प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं बनाने को तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तुम्हें कंटेंट डाउनलोड करना है तुम कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो सो आई थिंक दैट इट इज़ एन ओवरऑल बढ़िया जगह जहां से यू गाइज कैन यू नो गो आउट फॉर योर ट्रेनिंग्स नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूँ यार प्रोग्रामिंग विद पाइथन में तुम्हें एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप बनाने को मिलेगी तुम्हें uh, अगर और कोई चीज़ देखनी है तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट एंड्रॉइड ऐप में तुम्हें मैंने बता दिया फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाने को मिलेगी ना ऑपर्क मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेंगे डाउट क्लियर होंगे तुम्हारे Uh, जो भी चीजें हैं तुम डाउनलोड कर सकते हो कंटेंट एंड देर आर मच मोर पर्स वेल लाइक यू गेट प्लेसमेंट असिस्टेंस इज वेल राइट सो ये सारी चीजें हैं प्लस गाइज मैं अगर बेसिकली दे आर रनिंग अ कैंपेन कॉल्ड प्रैक्टिस मेक प्रोग्रेस सो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें प्रोग्रेस नहीं, नहीं मिलेगी राइट दैट इज द ओनली की ऑफ सक्सेस आल्सो नाउ इफ आई टेल यू गाइस अ लिटिल बिट अबाउट इट तो अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगुरिदम भी करना है so, सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगुरिदम उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट होना है

तो तुम्हें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आई एस मार्केट यार हमारे कैंपस में आई थी प्लस इन्होंने जो ऑफर किया था दैट वाज अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन एल के अराउंड इन्होंने ऑफर किया था प्लस इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इन्होंने यार आ, सबसे पहले जो इनका जो बेसिक फंडा था आ, कि आ, दो प्रोफाइल थी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस राइट ये दो प्रोफाइल दो प्रोफाइल के लिए ये लोग आए थे हमारे कैंपस में प्लस यार अगर मैं तुमसे थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करूँ सो so, <coughs> तो यार इससे इस पहले तुम्हारे पास इसके अंदर एक देर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज अ अट्रिक्स तो अगर थोड़ा सा डिस्कस करें यार तो सबसे पहले इनका था एक टेस्ट टेस्ट ठीक है तो इनका ये एक टेस्ट था uh, इस टेस्ट के अंदर यार तुम्हारे बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है ठीक है प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं बोलूंगा तुम्हारा चेक किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट यार अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर स्टूडेंट्स हु वर Not qualified मतलब यहां पे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये क्वालिफाई नहीं किया था ठीक है सो so, जितने भी बच्चे इसको हल्के में लेते हैं डोंट टेक दिस एज हल्का एज बिकॉज इट इज नॉट हल्का राइट तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें अपना वो जो टेस्ट है वो ढंग से देना पड़ेगा पूरा फोकस माइंड के साथ देना पड़ेगा नॉ सेकेंड गाइज इसके बाद दे शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे नाउ जितने भी ये दो प्रोसेस के बाद शॉर्ट शौ, लिस हो लिस्ट होके आते हैं इसकी लिस्ट आती है कॉलेज के पास इट शेज डायरेक्टली विद कॉलेज और कॉलेज फिर हमें आगे प्रोसेस बताता है round, है दैट द कोडिंग कोडिंग राउंड ठीक सो नाउ अगर यार कोडिंग राउंड प्लस एमसीक्यूज भी थे ठीक है अगर मैं थोड़ा सा कोडिंग राउंड की बात करूं तो कोडिंग राउंड इतना ज्यादा डिफिकल्ट आई वुड नॉट से ठीक है दो क्वेश्चंस थे कोडिंग राउंड के एंड uh, दो नहीं थे सॉरी टू से एक कोडिंग राउंड का था प्लस एक एसक्यूएल का था ठीक है नाउ होता क्या है गाइस ये ना जब तुम स्टार्ट करने वाला हो अपना टेस्ट तो ये तुम्हें ऑप्शन देते हैं बहुत सारे ठीक है, है ये चीजें पता होनी चाहिए पहले या फिर जावा एम एल ऐसे करके कुछ होगा ठीक है या एम एल और एसक्यूएल ऐसे करके कुछ होगा तो तुम्हें अपने रिस्पेक्ट में एक चीज कर, uh, सेलेक्ट करनी है ठीक है तो वॉट आई वुड रिकमेंड इज कि एक ऑप्शन था मेरे में दैट मेंिस जावा एंड एसक्यूएल ठीक ठीक है है तो आई दिस जावा एंड एसक्यूएल मैंने ये सिलेक्ट किया था जावा एंड एसक्यूएल तो मेरे पास एक कोडिंग क्वेश्चन आया था विच आई डेड ऑन जावा एंड एक एसक्यूएल का क्वेरी आई थी जो मेरे को एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी थी ठीक है तो अब तुम जोन सा सिलेक्ट करोगे इट विल डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो और तुम्हारे तुम्हारे में क्या कोडिंग क्वेश्चन एक्चुअली में वो पूछ रहे हैं ठीक है तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन वट यू एक्चुअली चूज ड्यूरिंग द टेस्ट ठीक है ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हें तो C++ आती है जावा आती है तुम जो चूज करोगे वही तुमसे पूछ लिया जाएगा राइट पहली चीज नाउ दूसरी चीज सेकेंड कि एम एल और एसक्यूएल हो गया नाउ सेकेंड चीज कही कि ये हो गया कोडिंग राउंड के बारे में कोडिंग राउंड आई वुड से एक क्वेश्चन था दैट वॉज नॉट डिफिकल्ट आई वुड रेंज इट इजी टू मीडियम के बीच में मैं उसे रेंज करूंगा ठीक है बहुत इजी प्रॉब्लम थी वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी एसक्यूएल वाली ट्रिकी थी ठीक है एसक्यूएल वाली ट्रिकी थी जिसे एसक्यूएल नहीं आता वो नहीं कर पाएगा जिसे आता है वो ट्राई करके थोड़े से दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा ठीक है दिस इज इट एडवाइस नाउ आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर कोडिंग राउंड आफ्टर कोडिंग राउंड यार देर वर स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हुए थे ठीक है बट आई गेस फोर्टी एट टू फिफ्टी के अराउंड फर्स्ट इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे ठीक है फर्स्ट इंटरव्यू Now, first की अगर यार, मैं थोड़ी सी बात तो इट वॉजली ऑन रेज्यूम डेटा स्ट्रक्चरिदम एंड तुमने अपनी स्किल्स प्रोजेक्ट में लिख रखें वो ठीक है एंड देर uh, uh, इनके बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन कितनी इनकी टेम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फिर उन्होंने दिया था कोड करने के लिए ठीक है एक क्वेश्चन दिया कोड करने के लिए तो दैट आई आई वोट आई है ठीक है कंपाइलर में मुझे वो कोड करना था देन इनसे इन्होंने मुझसे एक बबल शॉर्ट कोड कराया था ठीक है तो शॉर्टिंग टेक्निक्स तो मैं आनी चाहिए एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक कोड था दैट वॉज ईजी मैं बोलूंगा बहुत ईजी ठीक है सेकंड इन्होंने मुझे बबल शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए दिया मतलब कोड करने के लिए दिया था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी और मुझसे बोला था कि क्या तुम शॉर्टिंग कोई और शॉर्टिंग टेक्निक कर सकते हो यूज तब उन्होंने और शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में मुझसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह पूछी थी तो वो सारी चीजें नाउ अदर देन दैट गाइज Uh, इन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स जो मैंने प्रोजेक्ट लिखे हुए थे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने उसमें टेक्निक टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं ठीक है वो सारी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो दिस इज ओवरऑल वॉट मेरा पहला इंटरव्यू लुक्स लाइक ठीक है पहला इंटरव्यू वॉज वन कोडिंग क्वेश्चन जो मुझे कोड करना था वन टेक्निक जो मुझे कोड करके दिखानी थी उन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज मूव माई प्रोजेक्ट माई टेक्नोलॉजी लिखा है तो, के बारे में, लिखा है, के बारे में. तो ये सारी चीजें चली मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में राइट देन उसी दिन शाम में आई गॉट अ कॉल ऑल्सो बाय द एच आर एंड ऑल्सो मेल हैव क्लियर योर फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड तुम्हारा नेक्स्ट डे हेल्ड होने वाला है, है गाइस तब मुझे पता चलता है कि uh, राउंड में क्या होने वाला है सेकेंड राउंड में क्या होने वाला है सेकेंड राउंड इज बेसिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो पूछने वाले हैं प्लस वही अगेन डेटा एंड अगेनो डिस्कशन चलने वाली है नाउ नाउ प्रोजेक्ट प्लस एल्गो तो अगर मैं और थोड़ी डिटेल में जाऊँ तो इन्होंने मुझसे पूरा प्रोजेक्ट मेरा इलेबोरेटेड वे में पूछा था कि प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग टू एंड फंक्शनिंग टेक्नोलॉजीज क्या यूज करी सब बता दो तो मैंने अपना मेन जो प्रोजेक्ट था एक प्रोजेक्ट मैंने उसको पूरा डिस्कस करा उनसे उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी काफी जगह एक दो जगह थी जहां मैं नहीं बता पाया बट अदर देन दैट इट वॉज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी ठीक है ना डीएस के उन्होंने मुझसे कोई कोड नहीं कराया था सेकंड राउंड में उन्होंने बस मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे थे डीएस के रिलेटेड हैश मैप इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप ठीक है देन उन्होंने मुझसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे एरेज और लिंक लिस्ट का डिफरेंस क्या होता है ठीक है पूछी जाएंगी ये तो सेकंड पार्ट है दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू फर्स्ट पार्ट में जब तुम्हारे इंटरव्यू स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड वाला दे विल्स उन थ्री पजल्स के बाद दिल मूव ऑन टू योजेक्ट एंड डीएसएल राइट सो दिस वॉज द सेकेंड राउंड एंड गईस इसके बाद आई डेंट गेट अभी तक मतलब अभी कॉलेज में इनका सिलेक्शन वाला लिस्ट आई नहीं है तो जैसे ही आती आई आते यू मोस्ट प्रोबली मेरा इंटरव्यू तो काफी सही हुआ था तो लेट सी अकॉर्डिंग टू दैट राइट नाउ मैंने पजल्स तीनों के जवाब दे दिए थे ठीक है आई केम अप टू द दोल्यूशन ऑफ ऑल द थ्री पजल्स अदर दैट प्रोजेक्ट मेरा सही था डीएसएल को भी सही हुई थी नाओ uh, तो वो रिजल्ट का वेट करते हैं प्लस ओवरऑल जो तुम देखोगे गाइज कोडिंग इंटरव्यू फर्स्ट में मैंने तुम्हें बता दिया कोड कराया था बबल शॉट कोड कराया था प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा पूछी थी अदर डीएसएल right? तुम्हें पूरा ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा कि आई एच एस मार्केट का इंटरव्यू कैसा था मेरा ठीक है और कोई क्वेरी तुम्हें रहती है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली इट आउट मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली आई एम गाइस सो दिस ऑल अबाउट उट गाईस मार्केट एंड कोई भी क्वेरी रहती है इसके बाद यू गेट गाइज कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज दिस इज दिस इज इट टिल इन दिस वीडियो आई होप कि तुम्हें पूरा एक इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आया होगा कोई डाउट है कोई कोई क्वेरी है कमेंट में बताओ एल डेफिनेटली आंसर यू